अच्छा बच्चों ये बताओ कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले? अच्छा आपको आज गैस सिलेंडर सब्सिडी के बावजूद 425 का और सब्सिडी के बिना जो है 1200 रुपए का मिलता है, यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? स्वामी जी ये जो आप अरे ये जो आप सपने दिखा रहे हैं, अरे अभी जो टैक्स लग रहा है 50% वो 1% पे आएगा, तो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अरे इतना अर्थशास्त्र तो हमने पढ़ रखा है, रजत जी एक बार सुनो। मुझे अफसोस है कि देखो तेल के डीजल के भाव इतने महंगे नहीं होने चाहिए, लेकिन हम मोदी जी भी क्या करें, उनको सरकार चलानी है तो सबसे ज्यादा टैक्स डीजल पेट्रोल से ही आता है। सरकारी खजाना भी खाली ना हो जाए, कहीं सरकार जो है वो डेफिसिट में ना चली जाए, इसलिए उन्होंने टैक्स लगाया हुआ है, हटा दे तो मिल जाएगी। और मैं मानता हूं कि सब काम कोई भी किसी की भी सरकार हो, सब काम सरकार से हो जाएंगे ऐसा नहीं हो सकता, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।